स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी जिपमर में पूछे जा चुके हैं। शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें बताना है इस ग्राफ में जो हुक्स लॉ है वो किस सेक्शन में ओबे हो रहा है। ओके, तो हुक्स लॉ जो है बेटा, वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ कि क्या होता है। हुक्स लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला स्ट्रेस इफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एक्टिंग ऑन द बॉडी विद इन द गिवन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट्स, जिसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशो है वो क्या होगा, कांस्टेंट। एंड क्योंकि वो कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ कैसा बनना चाहिए इसका, स्ट्रेट लाइन। अब आप इस ग्राफ को देखें तो OE ही सिर्फ एक ऐसा रीजन है जहाँ पर स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, बाकी सभी में EA, AC, CB इन सब में कर्व्ड सेक्शन फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एक वायर का मुझे क्रॉस सेक्शन दे रखा है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको हम स्ट्रेच करते हैं बाय 0.1 मिलीमीटर। तो इसका जो एक्सटेंशन दे रखा है मुझे, वो दे रखा है कितना, 0.1 मिलीमीटर बाय अ सर्टेन वेट। ओके, हाउ फार विल दी वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट ऑफ एरिया 8 मिलीमीटर स्ट्रेच अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि अब मैंने एक दूसरा वायर ले लिया जिसका एरिया जो है वो 8 मिलीमीटर स्क्वायर है, लेकिन उसका जो मटेरियल है एंड उसकी जो लेंथ है और जो हमने फोर्स लगाई है, ये तीनों फैक्टर सेम रहेंगे। तो हमसे पूछा है कि अब ये जो नई वायर है इसमें एक्सटेंशन कितना होगा। ओके, तो पहली वायर को हम मान लेते हैं वायर वन और दूसरी वायर को हम मान लेते हैं वायर टू। इसका जो एरिया है वो कितना है, 4 मिलीमीटर स्क्वायर, दूसरी वायर का एरिया है 8 मिलीमीटर स्क्वायर। पहली वायर में जो एक्सटेंशन आया है वो आया है 0.1 मिलीमीटर, दूसरी वायर का एक्सटेंशन हमें फाइंड करना है कितना होगा। इन दोनों के लिए जो मटेरियल इन्होंने सेम दे रखा है, उसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के जो यंग्स मॉडुलस हैं वो सेम होंगे। यंग्स मॉडुलस विल बी सेम फॉर बोथ। फिर इन्होंने क्या दे रखा है कि इन दोनों की जो लेंथ है वो भी सेम है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे। यंग्स मॉडुलस बेटा क्या होता है, ये रेशो होता है स्ट्रेस का टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लिखते हैं कैसे, स्ट्रेस इज फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया, तो एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन को हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो वाई जो है वो हमारे पास आ जाता है F इंटू L डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा L। ये होता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। यहाँ से हम एक्सटेंशन के लिए भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा, रीअरेंज करके डेल्टा L अपने पास आ जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि ये जो दोनों वायर्स हैं इन पे लगने वाला ये जो फोर्स है वो, मैं एक बार मार्क कर देती हूँ, ये जो फोर्स है ये, इनका लेंथ और इनका जो मटेरियल है यानी कि यंग्स मॉडुलस जो है वो सेम है। अब अगर ये सब सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सटेंशन होगी डेल्टा एल, इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट, ऐसा कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एल वन बाय डेल्टा एल टू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए टू बाय ए वन, राइट। अब डेल्टा एल वन देखो दे रखा है हमें 0.1 मिलीमीटर, डेल्टा एल टू हमें नहीं पता, ए टू कितना है देखो ज़रा 8 मिलीमीटर स्क्वायर और ए वन कितना है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो डेल्टा एल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मिलीमीटर, विच मीन्स इट इज़ इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर, गॉट इट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ चलो। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस कि द रेडियाई एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ टू यूनिफॉर्म वायर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:1 एंड 1:2। तो अपने को क्या दे रखा है कि दो वायर ए और बी के जो रेडियस हैं वो किस रेशियो में हैं,
आर ए टू आर बी कितना है 2/1, और यंग्स मॉडुलस का रेशियो कितना है वाई ए बाय वाई बी 1/2. नाउ गिवन इज के बोथ वायर्स आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉन्जिट्यूडिनल फोर्स, दोनों के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो सेम है. इफ़ द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ए इज़ 1%, ए के ए वायर में जो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ आया है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन एल इंटू 100, ठीक है. तो ये जो वायर ए में आया है अपने पास कितना आया है 1%, और हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर बी कितना होगा, यानी कि हमें बताना है डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 फॉर वायर बी कितना होगा. ओके चलो तो सॉल्व करते हैं इसको. हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, अगेन यंग्स मॉडुलस का ही फॉर्मूला लगाएंगे जो कि कितना है एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल. अब क्योंकि यहाँ पर मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, तो वो कितना होगा डेल्टा एल बाय एल. तो इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो अपने पास आएगा डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई, ठीक है. तो अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इतना आ जाएगा अगर दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ ए मुझे दे रखा है कितना, फॉर ए कितना दे रखा है 1%. तो 1 इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है एफ, इसका एरिया कितना है, एरिया कितना होगा इसका पाई आर ए स्क्वायर, आर इसका रेडियस है, इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है वाई वाई ए, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा दिस इंटू 100. ओके अब बी के लिए हम लिखेंगे, फॉर बी, बी के लिए जो परसेंटेज चेंज आएगा वो अभी मुझे नहीं पता तो उसको हम कुछ बी मान लेते हैं, बी परसेंट. तो ये आएगा बी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय पाई आर बी स्क्वायर इंटू वाई बी इंटू 100. ओके अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बी फाइंड करना है गिवन जो वेरिएबल्स हैं उनकी फॉर्म में. तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को डिवाइड कर देते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 1/b, और राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करो. चलो एफ डिवाइडेड बाय पाई आर ए स्क्वायर वाई ए इंटू 100 डिवाइडेड बाय एफ डिवाइडेड बाय पाई आर बी स्क्वायर वाई बी इंटू 100. अब चलो देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है. तो एफ से एफ कैंसिल हुआ, 100 100 कैंसिल हुआ, फिर पाए और पाए कैंसिल हुआ, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कुछ आर बी स्क्वायर बाय आर ए स्क्वायर इंटू वाई बी अपॉन वाई ए. अब ये थोड़ा रेशियो की फॉर्म में आ गया. अब आप ऊपर देखिए, हमें आर ए अपॉन आर बी दे रखा है कितना 2/1, तो आर बी बाय आर ए कितना आ जाएगा 1/2. ओके इसका स्क्वायर करना है इंटू वाई बी बाय वाई ए. यहाँ से देखो इसका उल्टा वाई बी बाय वाई ए कितना आएगा अपने पास 2, ऐसे लिखें तो ये कितना आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2. तो आया क्या है हमारे पास कि 1/b जो है वो 1/2 के बराबर है, इसका मतलब b जो है वो किसके बराबर है 2 के बराबर. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, गॉट इट. आगे चलें. अच्छा तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अपने पास दो वायर है उनकी लेंथ इक्वल है, ठीक है. दो वायर है जिनकी लेंथ जो है वो सेम है. वायर ए का डायमीटर कितना है, इट इज़ ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बी. बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस में डायमीटर की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम रेडियस के बारे में बात करेंगे कि अगर वायर ए का डायमीटर जो है इट इज़ ट्वाइस दैट ऑफ बी, इसका मतलब वायर ए का जो रेडियस होगा वो भी बी के रेडियस का डबल होगा. तो अगर ये सब मैं बी के लिए लिख रही हूँ तो ए के लिए ये डेटा आ जाएगा, ठीक. अब क्या कह रहे हैं, इफ़ आइडेंटिकल वेट्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ दिस वायर, आइडेंटिकल वेट का मतलब दोनों पे सेम फोर्स लग रही है एफ, देन इंक्रीज इन लेंथ इज, अब इसकी इंक्रीज इन लेंथ कुछ डेल्टा एल वन मान लो, इसकी इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल टू मान लो, हमें इन दोनों को क्या करना है कंपेयर करना है. ओके
और क्या दे रखा है बेटा ऊपर, एक बार देखो जरा, हमने ये मिस किया कि दोनों की लेंथ सेम है। ओके, वो तो हमने लिख लिया, और दोनों का मटेरियल भी सेम है। तो दोनों का मटेरियल सेम होने का मतलब ये हुआ कि दोनों का जो यंग्स मॉडुलस है वो सेम है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, वाई इज इक्वल टू एफ बाय ए इंटू डेल्टा एल, और ऊपर आ जाएगा एल। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई। ठीक है, अब आगे बढ़े, करें सर सॉल्व। तो चलो पहले ए के लिए लिखते हैं, फॉर ए, ए के लिए लिखते हैं हम डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल वन वो कितना आएगा, एफ दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रही है, दोनों की लेंथ सेम है, डिवाइडेड बाय एरिया। भाई पहले का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू टू आर स्क्वायर, क्योंकि ए का रेडियस मुझे दे रखा है कितना, टू आर। और वाई क्या है दोनों के लिए, वाई तो सेम है, तो ये कितना आ गया, एफ एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। गॉट इट। अब आगे बी के लिए लिखो, चलो फॉर बी डेल्टा एल टू कितना आएगा अपने पास, एफ एल डिवाइडेड बाय, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई, इसका रेडियस कितना है देखो, आर स्क्वायर, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है, वाई। तो अब हमें क्या करना है, डेल्टा एल वन और डेल्टा एल टू को कंपेयर करना है, तो इन दोनों को ज़रा डिवाइड कर दो, डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू इट इज़ इक्वल टू, अब डेल्टा एल वन के लिए एक्सप्रेशन लिखो एफ एल बाय 4 पाई आर स्क्वायर वाई, और डेल्टा एल टू के लिए लिखो एफ एल बाय पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग करो, चलो कितनी आ रही है देखो, एफ एल से एफ एल कैंसिल, फिर पाई आर स्क्वायर वाई से पाई आर स्क्वायर वाई कैंसिल, तो डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू अपने पास आता है 1/4। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि डेल्टा एल वन जो है वो आ रहा है डेल्टा एल टू 2/4। इसका मतलब ये हुआ कि बी में अगर इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल टू है, तो डेल्टा एल वन यानी कि ए में जो इंक्रीज इन लेंथ है वो बी का 1/4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 1/4 फॉर वायर ए एज फॉर वायर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स इज स्ट्रेच्ड बाय अटैचिंग अ वेट ऑफ 200 न्यूटन टू द लोअर एंड। तो अपने को दे रखा है कि फोर्स जो लग रहा है वायर पे वो कितना है, 200 न्यूटन। द वेट स्ट्रेचेस द वायर बाय 1 मिलीमीटर, यानी कि एक्सटेंशन कितना आया वायर में, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 10^-3 मीटर। SI यूनिट में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, देख लेना किस क्वेश्चन में आंसर जो है किस फॉर्म में मांगा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, हमसे पूछा है इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन वायर कितनी होगी, तो वी आर आस्क्ड के इलास्टिक एनर्जी इसमें कितनी स्टोर्ड होगी। बेटा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इलास्टिक एनर्जी की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इलास्टिक एनर्जी जो है उसकी इक्वेशन होती है कि इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इलास्टिक एनर्जी डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है, इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, तो इलास्टिक एनर्जी हमें यहाँ पे पूछी गई है, तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हाफ इंटू स्ट्रेस के लिए हम क्या लिखते हैं, एफ अपॉन ए, स्ट्रेन के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा एल बाय एल, और वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं, वॉल्यूम भी होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ एल। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ए एल से ये एल और ये ए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इलास्टिक एनर्जी अपने पास कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। एफ और डेल्टा एल हमें दोनों दे रखे हैं, तो ये सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर, हाफ इंटू 200 इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना आया, 10^-3, कैंसिल करो आगे, 100 100 इंटू 10^-3 कितना हो जाएगा, 10^-1, और यूनिट क्या आ जाएगा, एनर्जी है तो यूनिट आ जाएगा जूल्स। ओके, देखा कितना डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस सिर्फ आपको यहाँ पर ये इक्वेशन पता होनी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज़ 8 मीटर व्हेन द लॉन्जिट्यूडिनल टेंशन इज़ 4 न्यूटन. तो जब 4 न्यूटन टेंशन हम लगा रहे हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है 8 मीटर. फिर क्या दे रखा है कि जब 5 न्यूटन टेंशन लगाई तो स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है अपने पास 20 मीटर. तो फिर पूछा कितना है हमसे कि जब हम टेंशन लगाएंगे 9 न्यूटन के बराबर तो लेंथ कितनी आएगी स्ट्रिंग की. इसको हम कुछ मान लेते हैं सी मीटर. तो हमें सी निकालना है कितना होगा. अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप समझो कि इन्होंने हमें क्या दे रखा है कि भाई कोई वायर है ना, कोई वायर है और जब मैं इसके ऊपर 4 न्यूटन फोर्स लगाती हूँ तो इसकी लेंथ हो जाती है ए. वायर की ओरिजिनल लेंथ तुम एल मान लो, ठीक है. अब इसमें एक्सटेंशन आएगा कुछ कितना, डेल्टा एल का, ठीक है. डेल्टा एल से ये स्ट्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी. तो टोटल लेंथ मेरे को दे रखी है कि ए हो जाएगी जब मैंने टेंशन फोर्स कितनी लगाई, 4 न्यूटन. उसी तरह से जब मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई तो स्ट्रिंग की लेंथ हो गई 20 मीटर. अब जब मैं 9 न्यूटन टेंशन फोर्स लगाऊंगी तो अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, हमसे ये पूछा है. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे. फिलहाल तो दिमाग में एक ही फार्मूला आ रहा है, कौन सा, यंग्स मॉडुलस वाला, कि भाई यंग्स मॉडुलस होता है एफ इन टू एल बाय ए डेल्टा एल, ठीक है. तो मैं डेल्टा एल को कितना लिख सकती हूँ कि डेल्टा एल जो होगा वो होगा एफ एल बाय ए वाई. ओके, अब आप देखो कि स्ट्रिंग की लेंथ अगर मैं एल मान लूँ और एक्सटेंशन को डेल्टा एल मान लूँ तो पहले केस में हम कह सकते हैं फॉर फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट केस, पहले केस के लिए हम कह सकते हैं भाई कि एल प्लस डेल्टा एल जो आया है मेरे पास वो कितना आया है, ए, है ना. अब डेल्टा एल को हम क्या लिखते हैं बेटा, एफ एल बाय ए वाई, ये कितना आया है ए. एफ कितना लगाया है यहाँ पे मैंने, 4 न्यूटन, तो ये हो जाएगा एल प्लस 4 एल बाय ए वाई इक्वल टू ए. अब यहाँ पर अगर मैं, ये जो एल बाय ए वाई है, एल बाय ए वाई है ना, इसको एक कांस्टेंट मान लूँ कोई सी, तो हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं एल प्लस 4c इक्वल टू ए. ठीक लिखा मैंने कि नहीं, समझ में आया यहाँ तक. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हम दूसरे केस के लिए सेम इक्वेशन लिखेंगे कि क्या आएगी. तो दूसरे केस में हमको दे रखा था कि भाई जब हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया इसके ऊपर तो इसकी लेंथ हो गई बी, ठीक है. तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास कि भाई यहाँ पर L प्लस डेल्टा L डैश जो है वो कितना है B के बराबर. अब लेंथ तो L ही है और डेल्टा L डैश को हम क्या लिख सकते हैं, आप पीछे से देखो डेल्टा L के लिए मैंने क्या एक्सप्रेशन लिखा था, एफ एल बाय ए वाई. तो ये कितना आ जाएगा, एफ एल बाय ए वाई इक्वल टू बी. यहाँ पे फोर्स कितना लगाया है मैंने, 5 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 5L बाय ए वाई इक्वल टू बी. अब L बाय ए वाई को मैंने क्या लिखा था पीछे, C लिखा था, देख लो एक बार, ये देखो C लिखा था ना L बाय ए वाई को. तो यहाँ पे लिख सकती हूँ L प्लस 5C इक्वल टू बी, ठीक है. ये बन गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन. और पहली इक्वेशन कौन सी बनी थी अपने पास, L प्लस 4C इक्वल टू ए, L प्लस 4C इक्वल टू ए, ये बनी थी पहली इक्वेशन. हमने ये इक्वेशंस क्यों बनाई है ना, मैं आपको बताती हूँ अभी. आप देखो थर्ड केस में मुझसे क्या पूछा है कि जब 9 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी. अब 9 न्यूटन फोर्स लगाया, स्ट्रिंग की लेंथ हो गई कितनी, सी, यानी कि यहाँ पर एल प्लस डेल्टा एल डबल डैश कितना आया, सी. तो एल प्लस एफ एल बाय ए वाई इक्वल टू सी हो गया ये. अब फोर्स कितना लगाया, 9, एल बाय ए वाई इक्वल टू ये कुछ आया कितना, स्मॉल सी. ओके, ये ध्यान रखना ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है. अब एल बाय ए वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल सी, अभी मैंने जो पीछे लिखा था. तो ये हो जाएगा एल प्लस 9 कैपिटल सी इक्वल टू स्मॉल सी, ये हमें फाइंड करना है. तो सी की लेंथ आप देखो हम तभी फाइंड कर सकते हैं अगर मुझे एल और सी के बारे में पता हो. अब एल और सी हम कहाँ से निकालेंगे, अब
अब एल और सी हम कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, एल प्लस 5 सी माइनस एल माइनस 4 सी इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ पे देखो एल और एल कैंसिल, 5 सी माइनस 4 सी कितना हो जाएगा सी, तो सी कितना आ गया बी माइनस ए। ये अगेन मैं कैपिटल सी की बात कर रही हूँ, तो कैपिटल सी आ गया बी माइनस ए। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। 3 को तुम किसी में भी पुट कर दो, 3 को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो कितना आ जाएगा एल प्लस 4 बी माइनस ए इक्वल टू ए। तो एल प्लस 4b माइनस 4a इक्वल टू ए, तो l आ जाएगा अपने पास a प्लस 4a माइनस 4b, यानी कि 5a माइनस 4b। तो l की भी वैल्यू आ गई अपने पास 5a माइनस 4b। अब l और c ये जो वैल्यूज आई हैं मेरे पास 3 और 4, इनको पुट कर दो तुम इक्वेशन नंबर 5 में, तो कितना हो जाएगा ये एल कितना है 5a माइनस 4b प्लस 9 इंटू सी, यानी कि 9 इंटू बी माइनस ए। ये मैंने c की वैल्यू लिखी है, दिस इज इक्वल टू स्मॉल c जो हमें फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 5a माइनस 4b प्लस 9b माइनस 9a इक्वल टू सी। अब इनको सॉल्व करो आगे कितना आता है, 5a माइनस 9a प्लस 9b माइनस 4b इक्वल टू स्मॉल सी। तो ये आया माइनस 4a प्लस 5b इक्वल टू सी, या फिर सी आ गया 5b माइनस 4a। देखते हैं ये ऑप्शन में मैच करता है या नहीं, सी की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 5b माइनस 4a, तो ये आ गया ऑप्शन बी। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को एक बार ढंग से फिर से देख लेना ध्यान से, एक बार खुद से भी सॉल्व करके देख लेना अपनी नोटबुक में, ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन ट्राई ज़रूर मार जाना। ये क्वेश्चन है तो फॉर्मूला बेस्ड ही, पर थोड़ा बहुत आप यूँ कह लो कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। तो भाई अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि स्ट्रेस ऑफ, स्ट्रेस मुझे दे रखा है कितना, 3.18 इंटू 10^8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाई टू अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, इट्स यंग्स मॉडुलस इज 2 × 10^10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है कि इसमें इलोंगेशन कितना आएगा इन मिलीमीटर। थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन ही है ये, डायरेक्ट यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लग जाएगा कि भाई यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हमसे क्या पूछा, डेल्टा एल, तो इसको लिखो कितना आएगा ये, स्ट्रेस इंटू एल बाय डेल्टा एल, और डेल्टा एल कितना आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा अपने पास स्ट्रेस इंटू एल डिवाइडेड बाय वाई। स्ट्रेस दे रखा है कितना, 3.18 इंटू 10^8, लेंथ कितनी दे रखी है 1, यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है 2 × 10^11। इसको सॉल्व करो अपने पास कितना आएगा, 1.59 × 10^-3 मीटर, पर आंसर किस में पूछा है, मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1.59 मिलीमीटर। ठीक है, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 2 बार्स ए एंड बी ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का सेम दे रखा है, यानी कि दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, A1L1 इक्वल टू A2L2। आगे देखो क्या दे रखा है, दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है। इफ़ डायमीटर ऑफ ए इज़ हाफ दैट ऑफ बी, तो इन्होंने क्या कहा है कि R1 जो है इट इज़ इक्वल टू R2/2, है ना, बी का जो डायामीटर है उसका आधा है ए का डायामीटर, तो इसका मतलब बी के रेडियस का आधा होगा ए का रेडियस। ठीक है, एंड इफ फोर्स अप्लाइड ऑन बोथ इज सेम, फोर्स अप्लाइड इज सेम एंड इट इज़ इन द इलास्टिक लिमिट, तब पूछा है कि रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ए टू बी कितना होगा। रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ए,
ए की एक्सटेंशन L1 मान लो डेल्टा L1 और बी के लिए मान लो डेल्टा L2, तो इसका रेशियो हमें निकालना है कितना होगा। फाइन, अब हम अगेन क्या लगाएंगे, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई यंग्स मॉडुलस होता है एफ़ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल्टा एल जो है वो होगा एफ एल बाई ए इंटू वाई। ओके, तो अब हमें क्या करना है बेटा, पहले ए के लिए लिख लो डेल्टा एल वन कितना आएगा, फोर्स दोनों पे सेम है, लेंथ दोनों की सेम नहीं है, एरिया सेम नहीं है और वाई जो है वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। बी के लिए लिख लो डेल्टा एल टू, एफ़ अगेन दोनों के लिए सेम है, लेंथ अलग है, एरिया अलग है और यंग्स मॉडुलस सेम है। इन दोनों का रेशो देखो भाई, वही पूछा क्या आएगा, तो डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू ये कितना आ जाएगा अपने पास, एफ एल वन डिवाइडेड बाई ए वन वाई होल डिवाइडेड बाई एफ एल टू डिवाइडेड बाई ए टू वाई। अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ और वाई से वाई, तो डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू कितना आ जाएगा, एल वन ए टू बाय ए वन इंटू एल टू, ठीक है। अब अपने पास एक रिलेशन यहाँ ऊपर दे रखा है हमें कि ए वन एल वन जो है वो ए टू एल टू के बराबर है, तो यहाँ पे हम इसको एक बार लिख लेते हैं कि ए वन एल वन ए टू एल टू के बराबर है। भाई ये दोनों अगर बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एल वन बाई एल टू जो होगा वो ए टू बाई ए वन होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग पुट करें यहाँ पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास कि डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू ए टू बाई ए वन लिख लो और बचा हुआ ए टू और ए वन इसको भी लिखो, तो ये कितना आया अपने पास ए टू स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ये तो ए टू ए वन के फॉर्म में आंसर आ गया, लेकिन देखो अपने को यहाँ पर भी एक रिलेशन दे रखा है ना, जिसका मतलब आर टू जो है वो टू टाइम्स आर वन है। तो अब हम डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू को लिख सकते हैं कितना, ए टू को हम लिखेंगे पाई आर टू का, पाई आर टू स्क्वायर का स्क्वायर, और ए वन को लिखेंगे पाई आर वन स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू की पावर फोर और नीचे आ जाएगा पाई स्क्वायर आर वन की पावर फोर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा आर टू बाई आर वन की पावर फोर। अब आर टू कितना है टू टाइम्स आर वन और नीचे आर वन इसकी पावर फोर, आर वन से आर वन कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा टू की पावर फोर जो कि कितना होता है 16। ओके, आया समझ में, आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे क्या दे रखा है अपने को कि एक मेटेलिक वायर को मैंने स्ट्रेच किया है बाय सस्पेंडिंग अ वेट टू इट इफ़ अल्फा इज द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ये जो है अल्फ़ा वो किसके बराबर है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के बराबर, यानी कि डेल्टा एल बाय एल जो है वो मुझे अल्फ़ा दे रखा है। एक चीज़ वाई इसका यंग्स मॉडुलस है, ओके, ये दूसरी चीज़ दे रखी है। फिर क्या पूछा है कि इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी, तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है मैंने आपको बताया था कितनी होती है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि ये पूछा है हमसे, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन कितना दे रखा है मेरे को, अल्फ़ा, ये तो लिख लिया, पर अब स्ट्रेस को मुझे गिवन वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस कितना होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई स्ट्रेस जो है वो हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, या फिर ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो वाई अल्फा के बराबर हो जाएगा। इसको तुम यहाँ पे पुट करो, कितना आएगा हाफ इंटू स्ट्रेस कितना आया वाई अल्फा इंटू अल्फा पहले से दे रखा है, तो ये आ जाएगा अपने पास वाई अल्फा स्क्वायर बाय टू। ओके, तो ये आ गया अपने पास ऑप्शन बी। आगे बढ़ चलो, अब क्या दे रखा है कि व्हेन अ फ्लूइड कॉम्प्रेसेस एन ऑब्जेक्ट देन द हुक्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा, तो हुक्स लॉ क्या कहता है भाई, मैंने अभी आपको बताया था कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कितना होता है कांस्टेंट,
और फ्लूइड्स के लिए ये जो कांस्टेंट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, जिसे हम कहते हैं बल्क्स मॉडुलस। तो अब बल्क मॉडुलस के लिए हम कह सकते हैं कि बल्क मॉडुलस बी जो होगा वो होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। फ्लूइड्स के लिए हम स्ट्रेस को लिखते हैं इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड। मैं एक बार रिपीट कर दूं कि स्ट्रेस को हम फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं एंड उसका यूनिट सेम हो जाएगा प्रेशर के बराबर। तो स्ट्रेस को हम यहाँ पर पी लिख सकते हैं। एंड स्ट्रेन कितना होगा? स्ट्रेन होगा माइनस डेल्टा वी बाय वी। फ्लूइड्स में जो स्ट्रेन आता है उसे इस तरह से लिखते हैं, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड इसमें हमेशा ये माइनस साइन आता है जब हम फ्लूइड्स को कंप्रेस करते हैं तब। तो इसे लिख सकते हैं माइनस पी वी बाई डेल्टा वी। ओके, अब देखते हैं ये कहाँ मैच हो रहा है। ओके, तो आप देखो सर, अगर ऑप्शन सी को हम देखें और रीअरेंज करने की कोशिश करें तो ये आ रहा है अपने पास बी इज़ इक्वल टू माइनस पी वी बाई डेल्टा वी। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि P जो है अपने पास वो आ जाएगा माइनस बी डेल्टा वी बाई वी, है ना। रीअरेंज करने से यही आ रहा है। अब ये एक्सप्रेशन किसके सिमिलर है? इसके सिमिलर। बस इन्होंने यहाँ पर माइनस साइन नहीं दे रखा, लेकिन एक्चुअल जो लॉ है उसमें आता है माइनस साइन, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर साइन से करवाया है। अदरवाइज यहाँ पर खाली मैग्नीट्यूड की बात की गई है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। आगे बढ़ चलो। तो क्या दे रखा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर इज इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस कितना होता है भाई? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो, इट इज़ इक्वल टू स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ फोर टाइम्स, नहीं। स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन, हाँ भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर स्ट्रेन को मैं इक्वल टू वन कर दूँ तो यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा स्ट्रेस के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रेन विच हैज़ वैल्यू वन। तो ये सही हो जाएगा कि इट इज़ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन, ये सही है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे बढ़ चलो। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर स्टील ग्लास एंड रबर इज। ओके, तो यहाँ पर बेटा मैं आपको ये बता दूँ कि स्टील जो है इसका कॉफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा हाई होता है। ओके, और रबर का जो कॉफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी है वो सबसे ज़्यादा लो होता है। फाइन, तो यहाँ पर आंसर ऐसा आएगा जिसमें स्टील हाईएस्ट होगा एंड रबर का लोएस्ट होगा। हमें किस तरह से लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो रबर का सबसे कम, फिर रबर के आगे किसका आएगा? ग्लास का। फिर ग्लास के आगे किसका आएगा? कॉपर का। और कॉपर से आगे आएगा स्टील का। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। गॉट इट। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को क्या है कि बल्क मॉडुलस फॉर एन इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड इज। ओके, बल्क मॉडुलस फॉर एन इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड इज। अब बेटा यहाँ पर एक नया टर्म आएगा जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी फॉर फ्लूइड्स इज वन बाय बल्क मॉडुलस, इस तरह से लिखते हैं। ये रिलेशन होता है बल्क मॉडुलस और कॉम्प्रेसिबिलिटी में। ठीक है, तो क्या दे रखा है? फ्लूइड जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल है। क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है तो हम कह सकते हैं इस फ्लूइड की कॉम्प्रेसिबिलिटी ज़ीरो है। तो दिस इज इक्वल टू वन बाय बल्क मॉडुलस, या फिर यूँ कह सकते हैं हम कि बल्क मॉडुलस जो होगा वो कितना होगा? इन्फिनिटी। क्योंकि जब हम 1 बाय इन्फिनिटी करेंगे तभी हमारे पास आंसर आएगा, राइट? तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा? सी, इन्फिनिटी। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं कुछ एक, ये सब समझ में आए होंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड भी अगेन काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि देखो एक ना एक क्वेश्चन तो इसके अंदर से आना ही है। एक क्वेश्चन आने के चांसेस तो रहते ही हैं। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने देखा भी होगा तो यंग्स मॉडुलस के ऊपर बेस्ड थे। तो यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इसके जितने भी फॉर्मूला दे रखे हैं सबके सब आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। और फिर भी आपको लगे कि आपको कोई डाउट है तो मैं आपको अपना जो ईमेल आईडी है वो लिख देती हूँ अभी कमेंट बॉक्स में,
वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज जो है वो मेल कर देना, आपकी जिनकी क्वेरीज थोड़ी इकट्ठी हो जाएंगी तो मैं साथ के साथ एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, तो आपकी क्वेरीज हाथों हाथ जो हैं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेरीज अपनी पूछना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हो या अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आप मेल कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद जो मैं अगला टॉपिक लेकर आऊँगी वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें हम बात करेंगे फ्लूइड स्टैटिक की एंड फ्लूइड डायनेमिक्स की। तब तक के लिए बेटा कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड जस्ट बिलीव दैट यू कैन डू इट एंड जस्ट ट्राई टू विजुलाइज योर सेल्फ इन दैट वाइट कोट विद अ स्टेथोस्कोप। आपको डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बनना है तो बस अपने आप को आप उसी अटायर में विजुलाइज करें, आपका सपना एक दिन ज़रूर सच होगा। मेरी पूरी तरह से जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो सब आपके साथ हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अब हम अगली वीडियो में। ओके बेटा, तब तक बाय।